नहीं भी लिख सकते हो कि आपके सपने क्या है। ड्रीम कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आप सपने पूछ सकते हो कि आप कुछ सपने देखते हो, क्या कुछ पूरा करना चाहते हो, क्या आपके कुछ ख्वाब हैं। तो अधिकतर अमन बोलता है कि मेरे को कार लेना है तो कितने का लेना है और कब लेना है, मेरे को घर लेना है तो कब लेना है, कितने का लेना है, कब कहाँ पर लेना है। ठीक है, आपको अगर पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए, ये आपको उसमें डेट डालना है। जब डेट उसमें डालोगे तो उसका गोल बन जाएगा। इसके बाद आप सपोज दैट कि आपको कार लेनी है, आपको i20 लेनी है, वो भी लेनी है आपको 8 लाख की, आपको लेना है 25 दिसंबर 2019 को। तो अब इसको फोकस करना है उसको कि सर ये मैं आपका ड्रीम मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 साल में पूरा करवा दूँगा, आप अगर आप हमें 2 से 3 घंटे दे सकते हैं तो मैं 2 से 3 साल में आपका पूरा करवा सकता हूँ। क्या आप ये चीज़ 2 से 3 साल में पाना चाहते हैं, या आप जो चीज़ कर रहे हैं उससे क्या ये आप पा सकते हैं 2 से 3 साल में। तो सामने वाला का मन आता है कि नहीं। तो सर एक बहुत बड़ा लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी, आज अमेरिका का इकोनॉमिक देखता है और डोनाल्ड ट्रंप का आज अर्थव्यवस्था जो भी है डोनाल्ड ट्रंप उसका देखता है। मतलब इसने बोला है कि इस दुनिया में 4 तरह के लोग रहते हैं, और इसने जो बुक लिखी है कॉस्ट फेड क्वाड्रेंट, आप इस बुक को लीजिए, पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, 21वीं सदी का व्यापार है। ये 4 तरह का क्वाड्रेंट देखा है कि ई मतलब एम्प्लॉय, इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ई मतलब एम्प्लॉय है गए, और ये हो गए सेल्फ एम्प्लॉय, और ये बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर। एम्प्लॉय जब तक नौकरी पे जाएगा तब तक पैसा आएगा, अगर कल से नौकरी पे जाना छोड़ देगा तो क्या पैसा आएगा, नहीं, कभी नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉय जब तक इसका शटर ओपन है तब तक इसके पास पैसा आएगा, शटर बंद पैसा बंद। बिजनेसमैन बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन, बात करो तो टाटा बाटा रिलायंस, जिसके नीचे 100, 200, 400, 1000 लोग काम करते हैं, ये होते हैं बिजनेसमैन। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जो दुकान खोल के बैठे हैं वो अपने आप को बिजनेसमैन समझने लगते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं है। ये वो है ट्रेडिशनल बिजनेस, वो जब तक शॉप में बैठेगा तब तक पैसा आएगा, शॉप पे नहीं बैठेगा पैसा नहीं आएगा। इसके बाद इन्वेस्टर, आई मतलब इन्वेस्टर, ये काम करे या ना करे काम, इनके लिए काम होता है और पैसा आता है, क्योंकि इनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसे से पैसा बना रहे हैं। आज बात करूं तो इनकी संख्या कितनी होगी और इनकी संख्या कितनी होगी, आज इनकी संख्या दोनों लोगों की मिला के 95% और इन लोगों की संख्या मात्र 5%। लेकिन पैसा किसके पास है, इनके पास 95% पैसा है और इनके पास मात्र 5%। क्या आप 95 से 5 में जाना चाहते हैं? यस सर, यही 2 से 3 साल और 2 से 3 घंटे। हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हार्ड वर्क करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? और ये लोग क्या करते हैं, नेटवर्क या फिर स्मार्ट वर्क करते हैं। ये जब तक एक्टिव रहते हैं तब तक पैसा आता है, अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा। ये लोग अपना नेटवर्क खड़ा किए और एक्टिव नहीं है, ये पैसिव हैं और पैसा इनके लिए आता है। सर ये बताइए कि आप आम आदमी हैं, आप कितने घंटे काम करेंगे पर डे, 8 घंटे 10 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं? अगर हम 10 घंटे काम करते हैं तो 30 दिन में 300 घंटे, 300 × 1 साल में 3600, कितने साल नौकरी जॉब करेंगे, 35 साल 40 साल, इससे ज़्यादा नहीं? अगर हम 40 साल काम करते हैं 3600 का अगर इंटू करें तो 144,000 घंटे हम पूरी लाइफ में काम करेंगे 40 साल में। अगर यहीं पे एक बात करूं तो टाटा बाटा रिलायंस, इसमें कितने वर्कर काम करते होंगे, लाखों रुपये, लाखों, 10 लाख 20 लाख काम करते होंगे। अगर मैं 2 लाख का रेशो लूँ, अगर ये 2 लाख लोग मात्र 8 घंटे काम करें तो इनके लिए 16 लाख घंटे काम होते हैं मात्र एक दिन में। देख रहे हैं क्या है पावर, ये हार्डवर्क और ये नेटवर्क। क्या आज अंबानी काम कर रहे हैं? नहीं। धनिया प्याज लहसुन बेच रहे हैं? नहीं। बेच रहे हैं? रिलायंस प्रेस लहसुन प्याज धनिया बिक रहा है और बेच रहे हैं?
वो धनिया लहसुन प्याज बेच बेच के आज खरबपति बन गए, क्या हम अपना दुकान चेंज करके क्या हम पैसा नहीं कमाना चाहते? हमें बेचना नहीं है, हमें दुकान चेंज करना है। सर आपके घर में कितने का बात करो, हम सपोज एक उदाहरण में देता हूँ कि हम कस्टमर हैं, अगर इस पेन को मैं 100 रुपये खरीद के लाया हूँ तो कितने का बना होगा? 30-40 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। 30 रुपये का बना, 100 रुपये का हमें मिला, बाकी पैसे कहाँ गए? बाकी के पैसे जो होते हैं वो C&F होलसेलर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर इसके बाद कस्टमर के पास में जाता है। 30% पैसा जो होता है इनके पास चला जाता है और सबसे बड़ा पैसा 40% वो एड में जाता है, एडवर्टाइजमेंट। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, TVS विक्टर, अमिताभ बच्चन ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न, ऐश्वर्या राय लक्स, उसको शर्म नहीं आ रहा प्रचार करने में और प्रचार कर करके पैसा कमा लिया। क्या हम बोल के पैसा नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये पैसा इधर जाता था, ये घर बंद हो गया। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपको 70% पैसा मिलना चाहिए। क्या आप 70% लेना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको दो काम करना पड़ेगा, पहला प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा और दूसरा प्रोडक्ट को शेयर करना पड़ेगा। कर सकते हैं? यस सर। अगर ये दो काम आप कर सकते हैं तो आप भी 70% पैसा ले सकते हैं। मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा कि आज कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से चली गई। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ आपके सामने, ये है वेस्टिज। वेस्टिज एक ग्रीक शब्द है, इसका मीन्स होता है पर चिन्हों पे।